फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह इन दिनों अपने एक फोटो शूट को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल इस अभिनेता ने कुछ समय पहले बिना कपड़ों के एक फोटो शूट कराया है और अब उस फोटो शूट पर इंदौर में बहस छिड़ गई है। वैसे तो रणवीर के फोटोज को लेकर देश भर में अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी के साथ अश्लील फोटो शूट के लिए लगातार रणवीर ट्रोल भी हो रहे हैं। अब इन सभी के बीच फिल्म एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ इंदौर में विरोध भी शुरू हो गया है। इंदौर में एक सामाजिक संस्था के द्वारा अलग तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल इंदौर में सड़क से कचरा उठाने के बाद अब मानसिक कचरे को भी खत्म करने की कवायद शुरू की गई है। इसी के चलते आदर्श मार्ग पर स्थित नेकी की दीवार के पास रणवीर सिंह के लिए कपड़े एकत्रित किए गए। दरअसल कुछ समाज सेवियों ने इस मुहिम को शुरू किया है और इनका कहना है कि रणवीर सिंह यूथ आइकॉन है जिन्हें यूथ फॉलो करता है और इस तरह के फोटो शूट सस्ती लोकप्रियता को दर्शाता है। इसी के साथ इस प्रदर्शन में लोगों ने रणवीर सिंह को कपड़े भेजने की बात भी कही। आप सभी को बता दें कि कई स्टार्स ने रणवीर के फोटो शूट को बेहतरीन बताया है। हालांकि आम जनता का कहना है कि रणवीर को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अच्छे अभिनेता हैं और ऐसे में वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुस्सा नहीं, असल में रणवीर सिंह को पूरा देश फॉलो करता है, खासकर युवा वर्ग। आपने देखा होगा कि पहले शादियों के पहले दूल्हे लोग क्लीन शेव रहते थे और रणवीर सिंह ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। हर आप दूल्हा और यंग लड़का आपको दाढ़ी में दिखेगा तो रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं। और रणवीर सिंह ने जो अभी ये कदम उठाया है, हम नहीं चाहते कि देश का युवा इस चीज़ में भी उनको फॉलो करे। एक टैगलाइन लिखी है कि मानसिक कचरा खत्म करना है इंदौर। असल में इंदौर ने स्वच्छता में पूरे समूचे देश को जगह दिया है, तो हम चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो ये विचारों में मानसिकता में इनकी जो नंगापन आ गया है, ये कचरा भी इनके दिमाग से हमको साफ करना है। इस तरह की मुहिम और लंबी चलेगी आपके द्वारा? हम संदेश देना एक चाहते हैं और हम विशेषकर ये चाहते हैं कि युवा कुछ भी इस तरीके का ना अपनाए, क्योंकि हम संस्कृति में विश्वास रखते हैं और भारत संस्कृति के लिए जाना जाता है।